नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक। मैं हूं आदेश पुरी। आज बिहार के 13 जिलों में बाढ़ अलर्ट को लेकर सरकार ने चेतावनी दी है। वजह यह है कि उत्तर बिहार की दो प्रमुख नदियों में 6 लाख क्यूसेक से अधिक पानी डिस्चार्ज किया गया है, गंडक बैराज और कोसी बैराज। मैं आपको बता दें, ये विजुअल देखिए, कोसी बैराज का अभी से कुछ देर पहले का विजुअल है, जहां पर 56 के 56 गेट खोल दिए गए हैं। बावजूद उसके जो बैराज के ऊपर जो सड़क होता है, उस सड़क पर भी पानी चला आया है। और वहां पर जो बैराज के वर्कर हैं, वो गेट में जो लकड़ियां, जो बड़े बड़े जो वृक्ष जो बह के आए हुए हैं, उनको हटाने के कार्य में लगे हुए हैं, और बैराज के पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नेपाल की तरफ से कितना पानी का दबाव जो है वो कोसी बैराज पर बना हुआ है। और आपको बता दें कि सुपौल सहरसा फिर से मधेपुरा और पूर्णिया, ये इलाके जो हैं, उनमें फिर से बाढ़ की स्थिति जो है वो बन गई है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिहार सरकार के द्वारा, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो है वो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साफ साफ निर्देश दिया गया है कि जो भी लोग तटबंध के इलाकों में बसे हुए हैं या जो भी लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हैं, उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, उनके लिए जो है अस्थायी शिविर बनाया जाए, यहाँ पर खाने पीने और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। NDRF और SDRF की टीम को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोसी बैराज में 56 गेट हैं। 56 गेट का मतलब हुआ कि लगभग चौड़ाई जो है वो 1 किलोमीटर के आसपास नदी का हो जाता है। 56 गेट खोल दिए गए हैं, बावजूद समझिए कि पानी का प्रेशर इतना है कि पानी जो है वो पुल के ऊपर आ गई है और वहां से पानी जो है वो बह रहा है वहां पर। और प्रशासन के द्वारा जो है सीधे सीधी रोक लगा दिया गया है कि किसी का भी बैराज पर जाना मना है। जबकि आपको बता दें कि दोनों बैराज, चाहे गंडक बैराज हो या कोसी बैराज हो, वहां से ऊपर से जो है गाड़ियां जो है वो दूसरे जगह पुल को पार किया करती हैं। गंडक बैराज जो है वो बिहार और नेपाल का सीमा बनता है। बता दें कि आधा जो के आसपास जो बैराज के गेट है, उसका सुरक्षा जो है वो नेपाल सरकार करती है, तो आधा के आसपास जो है वो बिहार सरकार के द्वारा दिखाया जाता है, भारत का क्षेत्र है वो। तो बताएं आपको कि कोसी बैराज में भी 6 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जाना है, पानी छोड़ने की प्रक्रिया जारी है। और आप देख सकते हैं कि कितना प्रलयकारी रूप जो है वो कोसी का देखने को मिल रहा है, और इसी तरह के हालात जो हैं वो गंडक बैराज में बने हुए हैं। यहाँ भी पानी का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि लगातार जो है नेपाल में बारिश हो रही है, उत्तर बिहार में भी बारिश हो रही है। आपको बता दें, जितनी भी छोटी नदियाँ हैं, बागमती हो, लाल बकिया हो, कमला बलान हो, इन सभी का जल स्तर में वृद्धि होना शुरू हो गया है। खतरे के निशान से ऊपर ये नदियां बह रही हैं। तो ये बता दें आपको हम कि इस बार उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बताएं आपको कि गंडक बैराज के चलते जो है गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, छपरा इत्यादि जिलों में बाढ़ की पूरी तरह संभावना बन रही है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को माइक से अलर्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, और संभावनाएं हैं कि रात तक पानी बहुत सारे इलाकों में फैल जाएगा। इसके साथ साथ कोसी बैराज से प्रभावित होने वाले जो कोसी रेंज और सीमांचल के जो जिले हैं, खासकर सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, ये सब जो हैं, इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल सकता है। तो बड़ा ही भयावह रूप कोसी नदी का देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि कोसी बैराज पर पानी का दबाव इतना है कि बैराज के ऊपर बने पुल पर भी पानी जमा हो गया है, उसे भी क्रॉस करने लगा है। ऐसे में ज़रूरत है जिन इलाकों में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ जो लोग भी हैं सुरक्षित जगह पर रहें, और अनावश्यक वैसे जगहों पर ना जाए जहां पर पानी आने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।